विकी को लेकर कुणाल अदिति की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तुम समझ क्यों नहीं रही अदिति कि मेरे लिए विकी मेरी जान से भी बढ़कर है, इसलिए मैं उसके बारे में ना तो कभी ऐसा सोच सकता हूँ और ना ही किसी के मुंह से उसके खिलाफ कुछ भी सुन सकता हूँ। लेकिन अदिति उसकी बात सुनने के लिए वहाँ रुकी ही नहीं थी। उस कमरे से निकलकर वो सीधा नीचे आ गई और साइमन से कहकर अपने उसी कमरे को खुलवा लिया जहाँ वो शादी के बाद शुरू शुरू में रहा करती थी। तुमने तो मुझे पल में पराया कर दिया कुणाल, उस विकी के लिए मुझे ही किसी का दर्जा दे दिया। बड़ी हिम्मत करके उसने अपने आंसुओं को रोका हुआ था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। क्यों चली गई आप माँ, अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? इस वक्त मुझे आपकी गोद की बहुत जरूरत थी। तकिए को हाथों में लेकर उसे ही अपने सीने से लगाकर अदिति खुद से बातें करती जा रही थी। उसे नहीं मालूम था कि कुणाल अपने कमरे में क्या कर रहा होगा और ना ही वो कुणाल के बारे में कुछ भी सोचना चाह रही थी, क्योंकि कुणाल के अविश्वास ने तीर की तरह चुभ कर उसके दिल को जख्मी कर दिया था और उसका ये घाव अभी बिल्कुल ताजा था। बाहर से आती ठंडी हवा अदिति के शरीर में सिरहन पैदा करने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके बदन में ये कपकपी कुणाल से बढ़ती दूरी के दर्द के कारण हो रही थी या फिर ये बदलते मौसम का असर था। खुशी और गम की इस चढ़ती उतरती रात के बीच कब उसकी आंख लग गई और कब सवेरे की धूप ने अपनी गर्माहट से मौसम में ताजगी ला दी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन सुबह सुबह उठने के बाद जब कुणाल ने अपने हाथों को फैलाया और अदिति की जगह पर उसका हाथ खाली चादर के ऊपर गया, तो हड़बड़ाते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी। अदिति, अदिति, ये कहाँ चली गई? इसके बाद कुणाल अदिति को आवाज लगाता हुआ सीधे नीचे उतर गया जहां माए और पम्मी बुआ सुबह की चाय पीने में बिजी थी। क्या हुआ कुणाल, इस तरह से अदिति को आवाज क्यों लगा रहा है? माया ने कुणाल को परेशान देखकर पूछ लिया। माँ, क्या आपने अदिति को कहीं देखा है? आज जब मैं सुबह उठा तो वो कमरे में नहीं थी, लेकिन ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह उठने के बाद तो वो सबसे पहले मुझे उठाती है। माया से बातें करते हुए भी कुणाल की आंखें अदिति को ही तलाश कर रही थी। नहीं बेटा, आज तो मैंने भी सुबह से अदिति को नहीं देखा, बल्कि मुझे तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी, क्योंकि इतनी देर में तो वो मेरे पास 10 बार आकर चली जाती है और मैं तो तुझे देखते ही इस बारे में पूछने वाली थी। माया का जवाब सुनकर कुणाल की चिंता बढ़ने लगी। अरे, कोई माचिस की डिब्बी थोड़ी ना है कि उधर उधर रख दी और फिर ढूंढने में लगे हो सकता है कि सुबह सवेरे टहलने निकल गई हो। अब ये कमेंट पम्मी बुआ की तरफ से आया था। इसके बाद माया और कुणाल दोनों समझ गए थे कि इससे आगे उन्होंने अदिति के बारे में कुछ भी बोला या पूछा तो बात बढ़ सकती थी, इसलिए किसी से कुछ कहे बिना कुणाल बाहर की तरफ निकल गया। लेकिन गेट के पास जाकर पूछने पर जब गार्ड ने उसे बताया कि अदिति तो आज सुबह से बाहर ही नहीं गई थी, तो उसका माथा ठनक गया, क्योंकि इससे पहले वो सारा घर छान चुका था। हाँ, अदिति के पुराने वाले कमरे की तरफ जाने की बात उसे ध्यान ही नहीं आई, क्योंकि उस कमरे में तो किसी का आना जाना होता ही नहीं था। लेकिन तभी माया की पूजा के फूल चुनने के लिए आए साइमन के कानों में कुणाल और गार्ड की बातें पहुंच गईं। अदिति मैडम ने तो रात में ही मुझसे अपने पुराने वाले कमरे की सफाई करवाई थी। कुणाल ने जैसे ही साइमन की बात सुनी तो उसे कल रात का अपना और अदिति का झगड़ा याद आ गया। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? रात की बहस के कारण अदिति अपने कमरे में वापस आई नहीं और मैं आराम से सोता रह गया। कुणाल को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। इसके बाद वो तेजी से अदिति के कमरे में पहुंचा और धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया जहां अदिति अभी भी सो रही थी। अदिति को इस तरह से सोता हुआ देखकर कुणाल को उसके ऊपर ढेर सारा प्यार आने लगा था। तुम कितनी खूबसूरत हो अदिति, जी करता है तुम्हें बस इसी तरह से देखता रहूं। लेकिन तभी एक हवा के झोंके के कारण अदिति के बालों की कुछ लटें उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ गईं और कुणाल को उस हवा के ऊपर भी खींच होने लगी। इस कमबख्त हवा को भी अभी ही आना था, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
फिर अदिति के पास जाकर कुणाल ने धीरे से उसके बालों को चेहरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुणाल के हाथों की गर्मी को महसूस करके अदिति की नींद टूट गई और हड़बड़ाते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी और फिर फौरन ही उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कुणाल? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम अपना कमरा छोड़कर इस कमरे में क्यों सो रही थी? साफ समझ में आ रहा था कि कुणाल रात की बातों को पीछे छोड़कर अदिति को मनाने में लग गया था और कुणाल से नाराज होकर अदिति भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। वो कुछ नहीं, इस कमरे में हवा अच्छी आती है ना, बस इसीलिए थोड़ा फ्रेश होने के लिए आ गई थी और फिर पता नहीं कब यहीं पर नींद भी लग गई। उसके बाद तो अदिति को ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि विकी को लेकर कुणाल और अदिति में जो भी मनमुटाव हो गया था उसके कारण अदिति के मन में अब भी खटास तो थी ही, लेकिन उस भाव को जाहिर करके वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ में नाश्ता कर लेते हैं। और हाँ, उसके बाद विकी भी आने वाला है, और विकी को लेकर तुम्हें जो भी गलतफहमी हुई थी उसके लिए तुम उसे सॉरी कह देना, क्योंकि हो सकता है तब वो इस घर में फिर से लौटने के लिए तैयार हो जाए। कुणाल ये सारी बात इतने सामान्य तरीके से कहता चला जा रहा था जैसे जो कुछ भी उसने कहा था उसमें कोई बड़ी बात तो थी ही नहीं। लेकिन कुणाल के कहे उन अंतिम चंद शब्दों ने अदिति को जैसे एक बार फिर तपते रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहा तुमने कुणाल? मैं विक्की को सॉरी बोलूं, यानी कि उससे माफी मांगूं? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस विक्की की बातों पर भरोसा है, तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। अदिति को कुणाल के ऊपर तैश आने लगा था। तुमने फिर से बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया अदिति, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और विकी सगे भाइयों से कम नहीं है। ऐसे में उसके ऊपर लगाए तुम्हारे ये सारे इल्जाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। पता नहीं कहाँ से तुमने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली और अपने साथ साथ मुझे भी उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कह रही हो। कुणाल का लहजा अदिति के लिए बेहद तीखा होने लगा था। एक मिनट कुणाल, क्या कहा तुमने? मनगढ़ंत कहानी और मेरी बातें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? तब तो तुम्हारे लिए मैं भी कोई मायने नहीं रखती। अदिति अब कुणाल के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी थी। अगर विकी और खुद के बीच में से कहोगी तो हाँ, हाँ अदिति हाँ, तुम अभी भी मेरी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हुई हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर अपने दोस्त, अपने भाई, अपने विकी पर शक करने लगूं। अरे तुम क्या जानो कि उसके घर वालों ने कितने एहसान किए हैं हमारे ऊपर? कुणाल के चीखने की आवाज अब पूरे घर में गूंजने लगी थी। माया और पम्मी बाहर ही खड़े होकर कुणाल और अदिति के बीच के इस झगड़े को सुनती जा रही थी। माया का बहुत मन कर रहा था कि वो उन दोनों के बीच जाकर इस बढ़ते हुए झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती, लेकिन अभी दोनों ही इस मूड में थे कि शायद ही उसकी बात सुनने के लिए उनमें से कोई भी तैयार होता, लेकिन पम्मी बुआ के लिए सब्र करना मुश्किल होने लगा था। माया, ऐसे तो तू हर बात पर अदिति अदिति करती रहती है, और आज जब तेरी अदिति को वाकई में तेरी जरूरत है तो तू यहाँ पर आंख नाक कान सब बंद करके खड़ी हुई है। माया को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि पम्मी बुआ कभी अदिति के पक्ष में कुछ भी कह सकती थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अदिति ने कुणाल के लिए खुद को भुला दिया था वो सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। शायद इसलिए अदिति को लेकर उनके मन में जितना भी मैल था सब धुल चुका था। मुझे नहीं लगता दीदी कि इस वक्त कुणाल कोई भी बात सुनेगा मेरी, इसलिए मैं उसके बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। माया ने पम्मी बुआ को उन दोनों के बीच में ना पड़ पाने का कारण बता दिया था। उधर कमरे में कुणाल और अदिति के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही थी। और मैंने क्या कुछ नहीं किया कुणाल तुम्हारे लिए? अदिति तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुणाल उससे इस तरह से बात कर सकता था। देखा, यही अंतर है तुम में और मेरे विकी में। उसने आज तक मेरे लिए किए अपने कामों की गिनती नहीं की, और तुम्हें एक बार मेरे लिए जरा सा दौड़ना भागना क्या पड़ा, पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने लगी। विकी ने कुणाल को इस तरह से पट्टी पढ़ा दी थी कि वो तो विकी का नाम माला की तरह जपता ही चला जा रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो विकी की पूजा भी करना शुरू कर देता। कुणाल की कड़वी बातों ने अदिति के दिल को छलनी छलनी कर दिया था। कुणाल, मैं एक बार फिर से तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, सोच समझ कर जवाब देना, या तो विकी या तो मैं। अदिति भरपूर आस के साथ कुणाल की तरफ देख रही थी।
अगर चुनाव तुम दोनों में से ही करना है तो विक्की। कुणाल ने इस सवाल का जवाब सोचने में जरा भी वक्त नहीं लिया और अदिति की फीलिंग्स को समझे बगैर अपना फैसला भी सुना दिया, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उधर अदिति अब भी उसी जगह पर खड़ी हुई थी। कुणाल ने मेरे और विक्की के बीच में से विक्की को चुना, इसका मतलब है कि मैं वाकई में उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, यानी कि इतने दिनों से मैं एक अनजान साई के साथ रह रही थी जो कभी मेरा था ही नहीं, यानी कि बेवकूफी मेरी, गलतफहमी मेरी, तो फिर कुणाल से कैसे शिकायत तो मुझे खुद से होनी चाहिए जिस लड़की को कभी उसके खून के रिश्ते का साथ नहीं मिल पाया, उसे दिल के रिश्ते के साथ उम्मीद लगाने का क्या हक था। अदिति का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था, लेकिन उसके लिए तो जैसे सारे एहसास ही खत्म हो चुके थे। जबकि बाहर विक्की के आ जाने से कुणाल उसके साथ इस तरह से मिल रहा था जैसे उसे इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे विक्की तू आजा, आजा, आजा। उसके बाद कुणाल विक्की को लेकर अपने साथ स्टडी रूम में चला गया, लेकिन माया मेंशन में घुसते ही विक्की ने वहां के तनाव को भांप लिया था। क्या बात है कुणाल, सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में कुछ हुआ है? कोई खास बात नहीं विक्की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अदिति को शुरू से ही तुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब तक मैं सामने था तब तक तो वो कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन मेरे अरेस्ट होने के बाद तो जैसे उसे तेरे खिलाफ बातें करने के 1,00,000 कारण मिल गए हैं। पता नहीं क्यों हर वक्त अपने मन से बातें बना बना कर मेरे दिमाग में तेरे खिलाफ जहर भरने में लगी है। कुणाल ने अदिति के खिलाफ अपने मन का गुबार विक्की के सामने भी निकाल दिया था, पर वो तो जानता ही नहीं था कि विक्की को तो बस इसी मौके की तलाश थी। हाँ मैं जानता हूँ, जब मैं तुझे छुड़ाने के लिए सबूत जुटाने में लगा था तो मुझे भी इस केस से दूर रहने की वार्निंग दी थी उसने, क्योंकि तुझे बाहर निकालने का सारा क्रेडिट वो खुद ही लेना चाहती थी। विक्की ने जले पर नमक छिड़कने में देर नहीं लगाई। और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके ये सब करने से तेरे और मेरे बीच में दूरियां आ जाएंगी? मैंने उसे साफ साफ कह दिया।